अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज उत्तर प्रदेश ने विगत पौने दो वर्ष के दौरान किया है, मैं आज के इस अवसर पर जब यहाँ पर टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की इस एक नई कड़ी को जोड़ने के लिए स्वयं माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि हमारी आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की पहले से एक पॉलिसी है। 2017 में हम लोगों ने इस पॉलिसी को बना करके पहले ही इसको हम निवेशकों के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं और इस क्षेत्र में या हमारे किसी भी फोकस सेक्टर में निवेश करने का इच्छुक जो भी निवेशक होगा, हम पॉलिसी के दायरे में रह करके उन्हें हर प्रकार का प्रोत्साहन, हर प्रकार की सुविधा और प्रत्येक प्रदेश के निवेशक को सुरक्षा की गारंटी भी उत्तर प्रदेश के अंदर देंगे, जिससे किसी भी निवेशक को किसी भी प्रकार की परेशानी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में नहीं होगी।